बहुत बहुत वही तेजस्वी जो नीतीश को गाली देता था, आज वही गांव में क्या कहीं फिर एग्जाम देके जा रहे हैं, कहीं पेपर लीक हो गया, देख सकते हैं क्या। अगर पेपर लीक हो गई तो क्या करिएगा, पेपर लीक हो जाएगा तो क्या करेंगे, दिल टूट जाएगा ना। नहीं, हम लोग का आदत हो गया, जोतेंगे, किसान आदमी है जी। हाँ, और सर पूरा हंगामा हो जाएगा अगर, हाँ एकदम इस तरह सचिवालय में हंगामा हो जाएगा। आप देख सकते हैं जो BSSC CGL एग्जाम सेंटर पे हैं और यहाँ पे अभ्यर्थी लोग आ गए हैं। देखिए कुछ लोग जूता चप्पल उठा रहे हैं और हड़बड़ी में है। मैं उन लोगों से बात करूँगा, भैया कैसा गया एग्जाम आपका? बहुत अच्छा रहा है। कैसा क्वेश्चन था? क्वेश्चन मतलब जो नहीं भी पढ़ा होगा ना, बहुत अच्छा से बना लिया। बहुत पिछले बार से जो क्वेश्चन था बहुत ईजी था। अच्छा, पिछले बार टफ था लेकिन इस बार ईजी हो गया। हाँ, ईजी क्वेश्चन, नॉर्मल था क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन जी। रीजनिंग कैसा था? बहुत आसान था। करेंट अफेयर मतलब एक दो क्वेश्चन जो बजाने वाला था रीजनिंग, उसके बाद बिल्कुल सब सही था। करेंट अफेयर से कैसा था? करेंट मतलब जो भी था 2021 और 20 का लगभग मैं पूछा था। पूछा था जी, 20-21 का था। 20-21 था, 22 नहीं था। 23 का एक क्वेश्चन था। 23 से एक क्वेश्चन था जी। और जो आपका कैसा, कितना अटेम्प्ट कर लिए? हम तो लगभग 140 प्लस किए हैं। 140 प्लस जी। क्या तैयारी पूरी थी? तैयारी तो पूरा चल ही रहा था। अच्छा, पिछला बार जो हो गया आप लोगों को समय मिला ना, रद्द हुआ उसके बाद समय मिला, इसलिए समय भी मिला। उसके बाद तैयारी भी अच्छे से किए थे पिछले बार से तुलना में। क्वेश्चन सेटअप पता चल गया था कहाँ से क्वेश्चन ये पूछ रहा है। अच्छा। उस अनुसार तैयारी किए थे। ओ, तैयारी किए हुए थे पिछला बार को देख के, इसका फायदा आप लोगों को मिल गया ना जी। अच्छा अच्छा, एक बात और बता दीजिए, क्या कहीं फिर एग्जाम देके जा रहे हैं, कहीं पेपर लीक हो गया तो? ये तो अब देखिए बाहर निकलने के बाद अब पता जा करके देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन फिर आउट हुआ क्या हुआ जी। लेकिन बिहार है तो कुछ भी हो सकता है, बिहार है तो कुछ भी हो सकता है। तो और सारा पेपर भी लीक हो जा रहा है क्या, अभ्यर्थियों का मनोबल नहीं टूटता है? बहुत टूटता है, पढ़ने का इच्छा नहीं, घर से गार्जियन से उधर से भी है, तंगी हर तरह से मतलब जो है मजबूर है लड़का लोग, क्या करेगा। जब सरकार इसे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, जो अपना मेहनत वो मेहनत अपना कर रहे हैं। बहुत अच्छा। चलिए, कैसा गया एग्जाम भी आप? अच्छा गया। कैसा रहा पेपर? अच्छा रहा। कहाँ से हैं? गया जिला से हैं। बहुत तो कह रहे कि इजी पेपर गया, मॉडरेट कैसे है? नहीं नहीं, इजी टू मॉडरेट लगता है, लोग को इजी रहता है, कुछ क्वेश्चन जब आ जाता है ना। अच्छा, 2-4-10 हल्का तो लगता है कि इजी है, लेकिन जब पूरा सॉल्व करता है तो पता चलता है। क्या लगा है कि भारी है, मैथ या रीजनिंग कौन था? नहीं नहीं, सबका लेवल सेम था। अच्छा, लेवल सेम था। करेंट अफेयर से क्वेश्चन? करेंट अफेयर से था, क्या गो लगभग 8-10 था। 8-10 था। अच्छा, 20-21-22 से भी 23 से भी मिला है क्या आपको? नहीं, 22 से था, 23 से तो नहीं था। एक पूछा था कोरोना वाला कि कोरोना का जो वेरिएंट है न्यू वाला कितना आया, COVID-19 वाला। अच्छा अच्छा, तो और क्वेश्चन? BF7 था, बॉयफ्रेंड नंबर 7। अच्छा बस। और एग्जाम में आपका कोई धांधली उंधली तो नहीं दिखा है? अब तो अंदर थे, अब बाहर आए तो अंदर गए हैं तो कोई अटेम्प्ट करने के लिए फिंगर उंगर में किसी प्रकार की परेशानी वैसा कोई दिक्कत नहीं? कंप्यूटर पे कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हुआ। ओ चलिए, तो आपने देख लिया तो कैसा गया एग्जाम, और लोगों से बात करते हैं, कैसा गया आपका एग्जाम? ठीक गया है। ठीक गया है। हाँ। कितना आया है पेपर, कितना अटेम्प्ट कर लिया है? 107। 107। क्या कैसा क्वेश्चन लगा, इजी था मॉडरेट था क्या? इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं इसको ना। हाँ, हाँ। बहुत लोग तो बोल रहे हैं कि इजी पेपर है आज का, मतलब जीके जीएस कुछ जैसे नृत्य हो गया तो दूसरे देश का पूछा, अपने भारत का मतलब कोई राज्य का पूछता तो उस तरीके का नहीं था, अदर कंट्री का। हाँ, अदर कंट्री का था, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे लेकिन ज़्यादातर इजी ही थे। अच्छा अच्छा। अगर फिर आप एग्ज़ाम दे के जा रहे हैं, कहीं पेपर लीक हो गया तो फिर मनोबल टूटेगा या बढ़ेगा, क्या सरकार से कहना चाहिएगा आप लोग? क्या है, सुनिए सर, हेलो, एक सर है यहाँ पे, देख सकते हैं क्या। अगर पेपर लीक हो गई तो क्या करिएगा, पेपर लीक हो जाएगा तो क्या करेंगे, दिल टूट जाएगा ना? नहीं, हम लोग का आदत हो गया, आप झेलेंगे। दिल टूटने का आदत हो गया जी? हैं जी। अरे तो कब तक बेवफा रहिएगा? जब तक उम्र है तब तक रहेंगे, बाद बाकी खेत जोतेंगे, किसान आदमी है जी। हाँ। और सरकार और नीतीश कुमार के बारे में क्या, क्या सरकार से क्या मांग करना चाहते कि पेपर ऐसा नहीं हो? सरकार से क्या मांग करेंगे, व्यवस्था अच्छी हो, लीक नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा, कम से आप कम तो एग्जाम दे के जा रहे हैं, कहीं आप रास्ते में रहिएगा, मिल जाएगा कि लीक हो गया पेपर तो क्या करिएगा, क्या अभी हो पूरा हंगामा हो जाएगा, हंगामा अगर, हाँ एकदम इस तरह सचिवालय में हंगामा हो जाएगा, सचिवालय में हंगामा एकदम। हाँ, क्योंकि बहुत महीना बहुत दूर का है, केस पाक रहा है क्या, की दाढ़ी पाक रहा है की बेचैनी पाक रहा है, उम्र भी निकल रहा है, एक ही एग्जाम को बार बार रिपीट किया जाएगा, ये सब तो सेटिंग तो अधिकारी लोग ही करता है, कब पेपर लीक करना है, कब क्या करना है, सब ऊपर से ही होता है, थोड़ी ना यहाँ थोड़ी ना क्लास से कुछ होता है, मास्टर हो या अधिकारी हो यही सब करता है, सेंटर पे नहीं होता, सेंटर पे अंदर से मैनेज रहता है, अंदर से मिल रहा है,
बोलता पूरा राज खोल दे रहे हैं आप लोग, एकदम सच्चाई है। नीतीश कुमार खुद एकदम दरोगा का खुलेआम करवाता है खुद। अगर मान लीजिए तेजस्वी यादव का कोई कैंडिडेट है तो मान लीजिए अगर यादव इलाका कोई भी है उधर बिना पढ़े लिखा ये यादव के टारगेट कर रहे हैं आप लोग दोनों चाचा भतीजा मिल तो गया लेकिन टारगेट क्या कर रहे हैं? टारगेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार को लोग बर्बाद कर रहा है, बिहार को बर्बाद कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। तेजस्वी से पहले उम्मीद था कि नहीं? उम्मीद था लेकिन जब वही तेजस्वी जो नीतीश को गाली देता था आज वही गांड मरवा लिया उसके साथ। दोनों उसी तरह करता है। आप तो शब्द बोलना है गुस्सा है बोलने क्यों नहीं उम्र निकल रहा है कि देखिए तेजस्वी से हम लोग बहुत उम्मीद किया उसमें जात पात कोई मायने नहीं रखता, मायने रखता यह युवा का मतलब भविष्य था और हम लोग चाहते थे कि हम लोग का भविष्य कुछ बने। लेकिन हम लोग जिस तरह अभी करवा रहे हैं और किस जिस तरह का ये लोग का नीति अपना रहे हैं सिर्फ तो मतलब चुनावी भाषण दे के चुपचाप हो जाते हैं। किसी तरह का हम लोग मामला उठाते हैं उस पर भी मतलब गौर नहीं करते। संज्ञान जिस तरह हम आपको बताना चाहते हैं जैसे अड्डा 24 के सर लोग आए थे उससे उसका जो नवनीत सर नहीं नवनीत नहीं धीरज सर डी के धीरज सर वो क्या कहते हैं उस पर मतलब गए थे उनका ऑफिस उस तरह का अपमानित नहीं करना जिससे हम लोग को भी ठेस पहुँचा। हम सभी विद्यार्थियों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि मामला उठाया गया था अगर सही सच्चाई होता तो उसको कैंसिल करना ही करना या ना करना बात की बात। ये पेपर लीक हुए दो गो एक कैंसिल हुआ दो गो काहे नहीं कैंसिल हुआ? देखिए आप लोग मांग हाँ मांग किए थे ऐसा नहीं था कि हम लोग का शिफ्ट का मतलब लेकिन रियलिटी क्या होगा विद्यार्थी लोग पटना मैसन कुटाया हॉस्पिटल हम चल गया है। हाँ। सरकार से उम्मीद नहीं रही नहीं, सरकार से उम्मीद है लेकिन व्यवस्था में चेंज होना चाहिए। यही है कि जो भी मतलब जो भी एग्जाम ले रहे हैं या जो भी निष्पक्ष रूप से लीजिए इसमें कोई जाति पाति नहीं है। इसमें जो जाति पाति का जो भी नाम ले रहा है ये गलत बात है। हम विद्यार्थी हैं हमको उससे जाति पाति से चाहते हैं कि इस बार एग्जाम कैंसिल नहीं हो। एग्जाम अच्छा गया है इस बार का एग्जाम और एग्जाम अगर कैंसिल हुआ तो फिर हम लोग इस बार नहीं आ पाएंगे क्योंकि हर बार गार्जियन को मतलब बेवफा हो जाइए बेवफा हो जाएंगे सही बोले धोखा खाते खाते बेवफा हो जाएंगे हर बार। कब तक बेवफा रहिएगा? अब क्या करे सरकार कुछ उस टाइप का कर नहीं रहा है। अच्छा देखिए चलिए तो आपने देख लिया और यहाँ पे कुछ और लोग हैं मैं उनसे और क्वेश्चन जानना चाहूँगा किस टाइप से क्वेश्चन था। फिलहाल इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट खबर के साथ। धन्यवाद।